Namaskar to all the learners. I am Amitender Singh and the topic for today's discussion is Quality Assurance Part 1. So we will be discussing about the definition of quality, quality assurance, the aim and goal of quality assurance and the importance of quality assurance in clinical laboratory. Quality hota kya hai? Quality एक basic tool है जिसके द्वारा हम एक जैसे goods या services को compare करते हैं और ये find out करते हैं कि उनमें से better कौन सा है. Quality assurance वो सारे steps हैं, वो procedure है जो quality control को ensure करता है, जो ensure करता है कि जो हमारा result आएगा वो error free आएगा, defect free आएगा, mistake free आएगा. क्वालिटी मैनेजमेंट ये एंश्योर करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जो गुड्स या सर्विसेज बना रहा है वो डिफेक्ट फ्री हो, मिस्टेक फ्री हो और एरर फ्री हो. क्वालिटी कंट्रोल क्लिनिकल लेबोरेटरी में एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है क्योंकि यदि एनालिटिकल फेज में एरर्स होंगे, मिस्टेक्स होंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो इनएक्यूरेट आएगा, रिलायबल नहीं रहेगा. तो रिलायबल रिजल्ट के लिए, एक्यूरेट रिजल्ट के लिए हमें क्वालिटी कंट्रोल एनालिटिकल फेज में फॉलो करना होता है ताकि एरर्स ना आए. अब क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्वालिटी साइकिल होता है जिसको हम PDCA साइकिल भी बोलते हैं. P स्टैंड्स फॉर प्लान, D स्टैंड्स फॉर डू, C स्टैंड्स फॉर चेक, A स्टैंड्स फॉर एक्ट. सबसे पहले प्लान कीजिएगा, फिर उसको करिएगा, फिर उसको चेक कीजिएगा एंड फाइनली उसको एक्ट कीजिएगा. जो एम है हमारा क्वालिटी कंट्रोल का वो सीधा सीधा यही है कि जो हमारे टेस्ट रिजल्ट्स आएंगे वो एक्यूरेट आए, करेक्ट आए, प्रिसाइज आए, रिलायबल आए. तो ये एंश्योर करने के लिए ही क्वालिटी कंट्रोल फॉलो किया जाता है. क्वालिटी अश्योरेंस जैसा कि हमने पढ़ा था वो सारे प्रोग्राम्स, वो सारे स्टेप्स, वो सारे प्रोसीजर्स होते हैं जो क्वालिटी कंट्रोल को कंप्लाई करते हैं, जो ये एंश्योर करते हैं कि हमारे जो रिजल्ट्स आएंगे वो करेक्ट आए, एक्यूरेट आए. तो क्वालिटी अश्योरेंस के लिए हमें सबसे पहले करना होता है क्लिनिकल लेबोरेटरी में कि सही टेस्ट सही समय पर सही पेशेंट के लिए सही रिजल्ट्स आए और उनका सही समय पर इंटरप्रिटेशन सही हो. सो एवरीथिंग विल बी राइट इफ क्वालिटी अश्योरेंस इज फॉलोड इन क्लिनिकल लेबोरेटरी. क्वालिटी अश्योरेंस को हमने फर्दर दो भागों में डिवाइड किया है, इंटरनल क्वालिटी अश्योरेंस, एक्सटर्नल क्वालिटी अश्योरेंस. इंटरनल क्वालिटी अश्योरेंस में हम लैब के अंदर के जितने भी स्टेप्स होते हैं उनमें क्वालिटी को एंश्योर करते हैं. एक्सटर्नल क्वालिटी अश्योरेंस में हम लैब, एक लैब के दूसरी लैब के साथ रिजल्ट्स कंपेयर करके या स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करके क्वालिटी को एंश्योर करते हैं. क्वालिटी अश्योरेंस सिस्टम एक फॉर्मल मैनेजमेंट सिस्टम है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी लेबोरेटरी को स्ट्रेंथन करता है और यह एंश्योर करता है कि क्वालिटी अश्योरेंस फॉलो हो रहा है, क्वालिटी कंट्रोल को हम एंश्योर कर रहे हैं. अभी गोल क्या है क्वालिटी कंट्रोल के? क्वालिटी कंट्रोल का सबसे पहला गोल तो है जो हमारे रिजल्ट आए वो बिल्कुल एक्यूरेट आए, प्रिसाइज आए. दूसरा है कस्टमर सेटिस्फाइड रहे. कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा तो जो है इकोनॉमिकली कस्टमर को भी इकोनॉमिकली पड़ेगा, लैब में रिजल्ट्स भी ज्यादा होंगे, लैब के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा. तीसरा होता है क्वालिटी और टाइमली रिपोर्ट हम जनरेट कर पाएं, जो रिपोर्ट हम जनरेट करें वो टाइम पे दें और वो एक्यूरेट हों. नेक्स्ट इज प्रिवेंटिंग डिफेक्ट्स रेदर देन डिटेक्टिंग डिफेक्ट्स. डिटेक्ट करना डिफेक्ट्स को, उसके बजाय हम उसको प्रिवेंट करने की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं. एरर्स मिनिमाइज हो, जीरो एरर्स की तरफ हमारा गोल रहता है. सो यदि हम समराइज करना चाहें गोल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल को तो द गोल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इज टू प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव क्वालिटी लैब सर्विसेज फॉर द बेस्ट पेशेंट केयर. अब हम इसको अचीव कैसे करेंगे? दो प्रकार से हम, दो मेथड हैं इसको अचीव करने के. पहला स्टेप जो है वो ये है कि हम जो है एरर को डिटेक्ट, इंक्रीज द डिटेक्शन ऑफ एरर एंड वर्क टुवर्ड्स रिमूविंग दोज एरर. हम यदि एरर्स को ही प्रिवेंट कर देंगे तो रिजल्ट्स हमारे एक्यूरेट आएंगे, रिलायबल आएंगे और प्रिसाइज आएंगे. और दूसरा है यदि हम, हमारा एरर्स रिमूव हो गए हैं तो हमें बार बार में फॉल्स रन्स नहीं करने पड़ेंगे, एक टेस्ट को रिपीट नहीं करना पड़ेगा. यदि गलत हो जाता है तो दोबारा दोबारा नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, इकोनॉमिकल होगा और पेशेंट को सस्ता भी पड़ेगा. क्वालिटी लैब सर्विसेज टू प्रोड्यूस रिलायबल रिपोर्ट्स एंड टाइमली रिपोर्ट्स फॉर डायग्नोस्टिक, प्रोग्नोस्टिक एंड स्क्रीनिंग पर्पस टू अचीव बेस्ट पेशेंट केयर. लैब सर्विसेज में क्वालिटी इसलिए जरूरी है कि जो भी हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं डायग्नोसिस के लिए, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं प्रोग्नोसिस के लिए, या स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं किसी भी डिजीज की स्क्रीनिंग के लिए, वो रिलायबल हों,
टाइमली हो, एक्यूरेट हो, प्रिसाइज हो, जिससे कि बेस्ट पेशेंट केयर हम प्रोवाइड कर सकें, हम अचीव कर सकें. कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस टू रिड्यूस बर्डन ऑन द पेशेंट. और यदि हम ये सारे करेंगे तो जो हमारी सर्विस है वो कॉस्ट इफेक्टिव होगी, जिसकी वजह से पेशेंट के ऊपर बर्डन भी अधिक नहीं पड़ेगा. तो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए हमें क्वालिटी कंट्रोल को फॉलो करना ही होता है. वी मस्ट फॉलो क्वालिटी कंट्रोल टू फॉलो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस. अब क्वालिटी रिजल्ट्स को हम अचीव कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जो हम मेथड फॉलो करेंगे, जो भी प्रोसीजर फॉलो करेंगे, वो अप्रूव्ड मेथड और प्रोसीजर होने चाहिए, वो स्टैंडर्ड मेथड और प्रोसीजर्स होने चाहिए. उसके बाद हम प्रॉपर कैलिब्रेशन के बाद ही रिजल्ट्स को स्टार्ट करेंगे. हम देखेंगे कि हमारे मशीनरी जो है, इक्विपमेंट जो है, वो ठीक रिजल्ट दे रही है या नहीं दे रही है. हम उनको कैलिब्रेट करेंगे, उनका जो मेंटेनेंस शेड्यूल होता है समय समय पर उनकी मेंटेनेंस करते रहेंगे. जो टेक्नीशियन जो काम करेंगे इक्विपमेंट पे, मशीन पे, प्रोसीजर्स पे, लैब पे, उनको हम प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, जिसकी वजह से कहीं भी एरर का स्कोप जो है वो हम प्रिवेंट कर सकें. इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल हम फॉलो करेंगे, क्वालिटी अश्योरेंस प्रोग्राम्स जितने भी होते हैं वो हम फॉलो करेंगे, और उसके बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, ताकि यदि कहीं गड़बड़ रह गई है तो ऑडिट के समय उसको फाइंड आउट करके उसको फर्दर रिमूव किया जा सके टू फॉलो द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स. तो हमें ये सारी चीजें फॉलो करनी होती हैं टू अचीव क्वालिटी रिजल्ट्स. TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस अप्रोच है क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि जो पेशेंट्स की डिमांड है, जो कस्टमर्स की डिमांड्स हैं, उनको हम मीट आउट कर सकें, कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकें और एक्यूरेट रिजल्ट्स हम प्रोड्यूस कर सकें. तो TQM में क्या क्या आता है? सबसे पहले मैनेजमेंट आता है, फिर वर्कफोर्स आता है, जो काम करते हैं, हमारे जो वर्कर्स होते हैं, जो टेक्नीशियन होते हैं, जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, जो सुपरवाइजर्स होते हैं लैब में सारे. उसके बाद सप्लायर्स आता है, जो हमें मटेरियल सप्लाई करता है, मटेरियल मैनेजमेंट में आता है ये सब, कहां से सामान आएगा. फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स, जो कस्टमर से हम फीडबैक लेते हैं, कहां पे इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, कहां पे हम फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं. एंड देन PDCA साइकिल, जो क्वालिटी कंट्रोल साइकिल है, जो हमने डिस्कस किया था, हमें उसको फॉलो करना होता है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल. क्वालिटी अश्योरेंस तो वो ओवरऑल प्रोग्राम है जो क्वालिटी को एंश्योर करता है, क्वालिटी की गारंटी देता है. क्वालिटी कंट्रोल वो सारे एनालिटिकल मेजरमेंट्स, सीरीज ऑफ एनालिटिकल मेजरमेंट्स हैं, विच आर यूज्ड टू असेस द क्वालिटी ऑफ द एनालिटिकल डाटा और रिजल्ट्स. क्वालिटी अश्योरेंस तो वो प्रोग्राम हो गया जो क्वालिटी को एंश्योर करेगा. क्वालिटी कंट्रोल वो मेजर्स हो गए जो हम फॉलो करते हैं क्वालिटी के लिए, रिजल्ट्स को एक्यूरेट लाने के लिए, एनालिटिकल रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने के लिए. अब नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेसीजन एंड एक्यूरेसी. प्रेसीजन इज द डिग्री ऑफ फ्लक्चुएशन इन द मेजरमेंट. जो हम मेजर कर रहे हैं उनमें फ्लक्चुएशन कितना है, दैट इज प्रेसीजन. वाइल एक्यूरेसी इज क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू. हमारा जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट वैल्यू के कितना नजदीक है, कितना क्लोज है, ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, दैट इज एक्यूरेसी. अभी फिगर से हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेसीजन एंड एक्यूरेसी. जो पहला फिगर है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और बिल्कुल प्रिसाइज है. बार बार हम कर रहे हैं, वही रिजल्ट्स आ रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट्स आ रहे हैं. सो इट इज हाईली प्रिसाइज एंड हाईली एक्यूरेट. दूसरे में रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं है हमारे, बट प्रिसाइज हैं, बार बार हम कर रहे हैं तो वही आ रहे हैं. सो द प्रेसीजन इज हाई बट द एक्यूरेसी इज लो. तीसरा जो केस है उसमें प्रेसीजन इज लो बट इट इज समवेयर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू. तो एक्यूरेसी इज हाई, प्रिसीजन इज लो. एंड द फोर्थ केस इज ऑफ लो प्रिसीजन एंड लो एक्यूरेसी. ना तो हम जो रिजल्ट्स कर रहे हैं बार बार सेम वैल्यू दे रहा है, ना वो ट्रू वैल्यू के नजदीक है. तो ये डिफरेंस है प्रिसीजन में एंड एक्यूरेसी में. सॉरी, नेक्स्ट टर्म इज स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है? इट इज द डिग्री ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द मेजरमेंट. जो हमारी मेजरमेंट्स हैं वो कितना डेविएट कर रही हैं, उनमें कितना फ्लक्चुएशन है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है. ये मेजर, इट इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, और स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में इसका ज्यादातर इस्तेमाल होता है. हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? जो हमारे पास वैल्यू रहेंगी, जो हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू है, उनका सबसे पहले हम मीन निकालेंगे. मीन निकालने के बाद एक एक वैल्यू को मीन में से सब्स्ट्रैक्ट करेंगे, उनका डिफरेंस लेंगे हम. जब हमारे पास सभी का डिफरेंस आ जाएगा तो हम डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे. वी विल सम स्क्वायर द डिफरेंसेस ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यू विद द मीन वैल्यू. उसके बाद हम जो स्क्वायर आएंगे डिफरेंसेस के, उनका सम लेंगे. एंड देन वी विल डिवाइड द सम ऑफ डिफरेंसेस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस बाय द नंबर ऑफ
सैंपल्स, इसको हम वेरिएंस भी बोलते हैं। वेरिएंस का जब हम अंडर रूट कर देते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। अब इसमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होता है, जब हमारे पास सैंपल साइज 30 से कम है, सपोज हमारे पास जो हमने टेस्ट किए हैं वो 30 से कम है, तो हम उसमें जो डिवाइड करेंगे वो एन माइनस वन से करेंगे, दैट इज 30 माइनस 1 29 से करेंगे। इफ द नंबर ऑफ सैंपल्स इज सपोज 20, देन 20 माइनस 1 19 से हम उसको डिवाइड करेंगे। एंड इफ द सैंपल साइज इज लार्ज, मीन्स इफ द सैंपल साइज इज मोर देन 30, तो हम जो सैंपल साइज है उसी से डिवाइड करेंगे, n से डिवाइड करेंगे। इफ इट इज 40 हम 40 से डिवाइड करेंगे, इफ इट इज 50 तो हम 50 से डिवाइड करेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ क्वालिटी कंट्रोल को हमने क्लिनिकल लेबोरेटरी में तीन भागों में डिवाइड किया है, प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल एंड पोस्ट एनालिटिकल। प्री एनालिटिकल में हम एनालिसिस से पहले का पार्ट लेंगे, एनालिसिस में ड्यूरिंग एनालिसिस, एंड पोस्ट एनालिटिकल में एनालिसिस के बाद का पार्ट लेंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल एंड पोस्ट एनालिटिकल क्वालिटी कंट्रोल। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज इस पे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। Thank you very much.